तो हे गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है अशरफ, आप देख रहे हैं अशरफ गेमिंग। आज हम फिर से आ चुके हैं हमारे सर्वाइवल वर्ल्ड में। तो लास्ट एपिसोड हम आप लोग देखा होगा कि यहाँ पे मैंने पम्पकिन और व्हीट का फार्म बनाया था, और वहाँ पे वो जो शीप एंड पिक का फार्म बनाया था। अरे यार, काउ तो दिख ही नहीं रही आप। ठीक है, वो रेंडर डिस्टेंस की वजह से दिख नहीं रही है, ठीक है उसको छोड़ दो आप। तो फिलहाल आज की वीडियो में हम लोग बनाने जाने वाले हैं एक और फार्म, वो है आयरन फार्म, क्योंकि हम लोगों को आयरन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। लिटरली मेरे पास आयरन अभी बचा नहीं है। कितना बचा मुझे भी नहीं पता। मैंने देखा था कि 4 आयरन बचा था। उसके लिए मैं आज बनाने जाने वाला हूँ आयरन फार्म, क्योंकि मुझे बार बार आयरन चाहिए, तो मुझे माइन करने जाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं उस फार्म को बनाने के लिए डिसाइड हो चुका हूँ। तो फिलहाल ये देखो, मेरे पास 4 ही आयरन बचे हैं। तो 4 आयरन है, मैंने कहीं पे तो थोड़े बहुत आयरन रखे थे, उसको देख ले। फर्नेस में रखा क्या? नहीं, फर्नेस में तो नहीं, इस वाले चश्मे रखा गया शायद। हाँ, इस वाले चश्मे हैं। 8 आयरन इंगट्स और भी बचे हैं मेरे पास। तो फिलहाल पूरे 12 इंगट्स हैं मेरे पास आयरन के, लेकिन इससे कोई काम नहीं होगा। अगर आप लोगों को पता है तो हॉपर्स बनाने के लिए हम लोगों को 5 आयरन चाहिए होते हैं। तो उसी के तरीके से हम लोगों को आज के फार्म में 4 हॉपर्स चाहिए। तो 4 हॉपर्स के लिए हम लोगों को 20 आयरन चाहिए होता है। और मैं उस फार्म को बनाने वाला हूँ स्टोन ब्रिक्स एंड डीप स्लेट के कॉम्बिनेशन से। इसीलिए मैं डीप स्लेट टाइल्स में बनाने वाला हूँ और स्टोन ब्रिक्स बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत डीप स्लेट ले लेता हूँ, यहाँ से मैं अब डीप स्लेट टाइल्स से कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो ये काफ़ी थीम अच्छा रखता है। जैसे मैंने बाहर रोड बनाया था ना, इसी थीम से बनाया था। अरे भाई, इसका कोई अभी बनाना नहीं है, ये काफ़ी है। तो फिलहाल अब हम लोग चाहिए, हमारे पास चेस्ट चाहिए, हमारे पास Bruh. वुड ही नहीं है भाई। हमारे पास इतना सारा वुड मैंने माइन करके लेके आया था, क्या हो चुका है अब? अरे यार, यहाँ पे 2 साइन बोर्ड्स पड़े हैं, लेकिन इससे काम नहीं होगा। और यहाँ पे एक ब्लॉक है वो प्लैंक का, इस एक ब्लॉक से क्या होगा यार? 2 स्टिक्स भी पड़े हैं, लेकिन इससे कोई काम नहीं होने वाला हमारा। तो मुझे चाहिए वुड, तो थोड़ा और टाइम दे देना, मैं जाके वुड लेके आता हूँ गाइस। प्लीज़ यार, टाइम दे देना, वुड लेके आता हूँ मैं यार। तो ओके गाइस, मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत आयरन भी माइन करके लेके आया हूँ, क्योंकि हम लोगों को हॉपर्स भी बनाना है ना उसके साथ, तो इसलिए आयरन को भी माइन करके लेके आया हूँ। 10 है मेरे पास, 12 है, तो एनफ होगा हॉपर्स बना लेते हैं। तो चलो, मैं हॉपर्स बना ले को आप लोगों को सारा सामान कलेक्ट करके आप लोगों से मैं मिलता हूँ। तो ओके गाइस, सारा सामान मैंने कलेक्ट कर लिया है। तो वाटर बकेट से अनलिमिटेड वाटर सोर्स बना लेंगे वहाँ पे। एक लावा बकेट एंड साइन बोर्ड्स भी काफ़ी है। तो लीव्स चाहिए हम लोगों को, एक स्टैक लीव्स ले लेते हैं अब। और कुछ चाहिए क्या हम लोगों को? हाँ, हम लोगों को चाहिए होता है बेड्स, काफ़ी ज़्यादा बेड्स चाहिए। इसके लिए हम लोगों को शियर ले लेते हैं और जाके हमारे शीप्स का वूल काट के लेके आते हैं। 21 बेड्स है हम लोगों को, तो चलो 21 बेड्स के लिए वूल इकट्ठा कर लेते हैं। फाइनली गाइस, पूरा सामान इकट्ठा कर लिया है मैंने यहाँ पे। अब चलते हैं हम लोग एक जगह को ढूंढने के लिए। मैं जंगल बायोम में इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि मैं विलेज से काफ़ी ज़्यादा दूर ही इस फार्म को बनाने वाला हूँ, इसीलिए यहाँ पे आया हूँ। थोड़ा बहुत ये जगह प्लेन लग रहा है मुझे, यहीं पे बना लेते हैं फार्म को। उससे पहले मुझे यहाँ पे ये एरिया को क्लीन करना है। तो ये एरिया मुझे क्लीन करने के लिए थोड़ा बहुत टाइम दे देना दोस्तों, क्लीन कर देता हूँ उसे फटाक से। फाइनली गाइस, एरिया को भी मैं क्लियर कर दिया है। अब हम लोगों को फार्म के बनाने के लिए चलते हैं। पहले हम लोगों को लगा देना है 2 चेस्ट, और इसके पीछे हम लोगों को लगा देना है 4 हॉपर्स मेरे पास है ना। हाँ, 4 हॉपर्स उसके पीछे लगा देना है कुछ इस प्रकार से। उसको 4 हॉपर्स लगा देना है, और इसके बगल में हम लोगों को खींच लेना है थोड़े बहुत वॉल्स। अब मैं इस वॉल्स को डीप स्लेट टाइल से खींचने वाला हूँ, क्योंकि मैं बोला था आप लोगों को इसका कॉम्बिनेशन में बनाने वाला हूँ। इसलिए तो यहाँ पे हम लोगों को डीप स्लेट टाइल से इस प्रकार से हम लोगों को लगा लेना है चारों तरफ को। यहाँ पे लगा देना है, और इसके ऊपर हम लोगों को खींचना है स्टोन ब्रिक्स। 3 वॉल का हाइट खींचने वाला हूँ मैं। तो ये एक हो गया, और ये 2 माह हाइट हम लोगों को खींच लेते हैं। और ये 2 माह हाइट को भी खींच लेने के बाद हम लोगों को तीसरा
हाइट भी खींच लेता है। तो ये तीसरा हाइट हो चुका है हमारा कंप्लीट। तो इसके बाद हम लोगों को यहाँ पे लगाना है थोड़ा बहुत वॉल्स। आप लोगों चाहे तो ग्लास भी लगा सकते हैं क्योंकि ग्लास यहाँ पे परफेक्ट होता है, तो यहाँ पे डोर को चेस्ट खोलने के लिए काफ़ी आसान होता है। लेकिन मेरे पास ग्लास पड़े नहीं थे तो इसलिए मैं यहाँ पे स्टोन या स्लैब लगा दूंगा। तो ये स्टोन यहाँ पे लगाने के बाद इसे खुलेगा नहीं यार, इसीलिए मैं उसको स्टोन को लगा के वहाँ पे तोड़ दूंगा। तो यहाँ पे स्लैब या स्टेयर्स लगा लेता हूँ मैं यहाँ पे, एक का सपोर्ट लेता हूँ मैं यहाँ पे ब्लॉक एक लगा के और इसके ऊपर खींच लेता हूँ। बाद में इसको तोड़ देंगे हम लोग। यहाँ पे पिकैक्स रख लेते क्योंकि मुझे दो दबाने का आदत है यार, इसलिए पिकैक्स को मैं वो डीप स्लेट पकड़ रहा हूँ शायद। तो इसको यहाँ पे वॉल को खींच लेते हैं ऊपर को, तो ये हाइट तक खींच लिया। और इसके बगल में हम लोगों को इस स्टोन ब्रिक्स को और भी खींच लेते हैं यहाँ तक। तो ये हो चुका है, अब इन दोनों को हम लोगों को तोड़ देना है। तोड़ के यहाँ पे स्लैब या स्टेयर्स लगा सकते हो यहाँ पे, या आपके पास ग्लास होगा तो ग्लास भी लगा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं ऊपर की तरफ को। तो ऊपर चल के हम लोगों को खींचना है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें करने हैं अब। तो यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे वो स्टोन ब्रिक्स ले लेना है। तो स्टोन ब्रिक्स लेने के बाद यहाँ से हम लोगों को 8 ब्लॉक्स जाना है दूर, 3, 4, 5, 6 और ये 7 और ये 8। तो ये 8 हो चुका है। तो इस तरफ भी हम लोगों को 8 ब्लॉक्स का दूर जाना पड़ेगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। तो यहाँ पर भी 8 कंप्लीट हो चुके हैं और इस तरफ भी 8 ब्लॉक्स खींच लेते हैं हम लोग। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। तो ये 8 भी कंप्लीट हो चुके हैं, इस तरफ भी 8 ब्लॉक्स खींच लेते हैं हम लोग। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये 8 ब्लॉक्स, 8 8 ब्लॉक्स हम लोगों ने खींच लिया है कंप्लीट। और इसको जॉइंट कर देना है हम लोगों को चारों तरफ से। तो ये दो सब सबको खींच लेना है, इसको गिनने का कुछ नहीं है। तो यहाँ से उसको वहाँ कनेक्ट कर देना है। तो चलो मैं इन सबको कनेक्ट कर देता हूँ। तो गाइस मेरे पास स्टोन ब्रिक्स ख़त्म हो चुके हैं, अब एक ही बचा है। तो ये एनफ होगा नहीं शायद, मैं 2 स्टैक ही लाया था ना, इसलिए कम पड़ गए। मुझे अब जाना पड़ेगा स्टोन माइनिंग के लिए। चलो स्टोन इकट्ठा करके लेके आता हूँ मैं। तो ओके गाइस यहाँ पे पूरा फ्लोर बन के तैयार हो चुका है, अब हमें इसका फ्लोर खड़ा करना है। इसका डीप स्लेट का लेके आता हूँ मैं जाके नीचे, डीप स्लेट से मैं बनाने वाला हूँ उसका फ्लोर को। नीचे चल के डीप स्लेट को कलेक्ट करके लेके आता हूँ। तो ये रहा डीप स्लेट, इसमें तो इन डीप स्लेट टाइल्स को ले लेता हूँ और सब भी ले लेता हूँ, एंड लीव्स को भी ले लेता हूँ, लावा बकेट को भी लेके चलते बाद में। तो चलो यहाँ से हम लोग ऊपर चले थे, ऊपर चल के हम लोग ये वॉल को खड़ा करना स्टार्ट कर लेते हैं। या अबे यार यहाँ पे कोई नहीं, कुछ नहीं हुआ भाई, कुछ नहीं हुआ। ये कट मैंने था, मैंने गिरा था। शाम हो रही यार, सो के चलते हैं हम लोग। तो मैं गिरा नहीं भाई, गिरा नहीं मैं, वो शायद हवा ठेल दिया मुझे यहाँ पे। चलो ऊपर चलते हैं। अब इस वॉल को हम लोगों को खड़ा करना है फूड खाने से पहले। तो यहाँ पे डीप स्लेट टाइल्स को ले लेना है, एंड से हम लोगों को खड़ा कर देना है वो 2 लेयर्स का वॉल, कुछ इस प्रकार से हम लोगों को खड़ा कर देना है हमें। तो ये चारों तरफ मुझे पूरा कवर कर देना है यहाँ पे। तो चलो इसको कवर कर देता हूँ मैं, थोड़ा टाइम दे देना मुझे। तो ओके गाइस मैंने यहाँ पे चारों तरफ को वॉल को प्लेस कर दिया है यहाँ पे।
तो ये वॉल हो चुका है हमारा कंप्लीट। एंड अब हम लोगों को लगा देना है यहाँ पे इसके ऊपर लीव्स, ताकि यहाँ पे आयरन गोलम या कैट स्पॉन होते ना वो इस वॉल के ऊपर स्पॉन ना हो, इसी के लिए लीव्स लगाते हैं हम लोग। या आप लोग चाहे तो स्लैब भी लगा सकते हैं यहाँ पे। तो इसको भी मुझे चारों तरफ कवर कर देना है, तो चलो इसको भी कवर कर देता हूँ मैं फिलहाल। तो ओके गाइस, लीव्स का भी काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लगे लेने ना स्टोन ब्रिक्स। स्टोन ब्रिक्स ले लगे हम लोगों को यहाँ पे लगा देना है 1 2 3 एंड 1 2 1। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर्स खड़ा कर देना है, तो 1 2 3 1 2 एंड 1 यहाँ पे ऐसे खड़ा कर देना है पानी यहाँ पे डालने के लिए। 1 2 3 1 2 एंड 1 यहाँ पे ऐसा हो जाना है। लास्ट चारों साइड हम लोगों को कर देना है 1 2 3 1 2 1। तो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स हम लोगों को यहाँ पे बना देना है पानी डालने के लिए। अब हमें यहाँ पे पानी डालना है पूरा, एंड पानी डालने के यहाँ पे विलेजर्स को लाना है। मुझे पानी की बकेट ले लेके आना है, मैंने नीचे रख दिया था, तो मुझे थोड़ा बहुत टाइम दे देना, पानी की बकेट लेके आता हूँ मैं जाके। तो ओके गाइस, मैंने वहाँ पर पानी नहीं डाला, लेकिन यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाया था, लेकिन ये वीडियो स्टार्ट करना भूल गया था मैं। इसमें हम लोगों को बेड्स लगाना है, तो ये बेड्स लगा देना है मुझे यहाँ पर। तो चलो ऊपर चल के हम लोग इस बेड्स को लगाना शुरू कर लेते हैं। तो ये पानी को कलेक्ट कर लेना है। अब हम लोगों को यहाँ पे बेड ले लेना है यहाँ पे। तो बेड ले लेकर हम लोगों को लगा देना है कुछ इस प्रकार से। अरे यार लग जाना, लग जा, हाँ ये लग गया। तो रुको रुको रुको, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, हम लोगों को बेड्स ऐसे लगाना है इस प्रकार से। अब पूरा बेड्स मैं ले लेता हूँ मेरे हाथों में। चलो इस पूरा बेड्स को मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। तो ओके, बेड्स को मैंने ले लिया है। तो यहाँ से, अरे यार ऐसे आप लोगों को करना नहीं है, रिस्पॉन पॉइंट आपको सेट नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। तो इन बेड्स को तोड़ देता हूँ, क्योंकि ये रिस्पॉन पॉइंट हो जाता है तो यहाँ पे विलेजर्स उस बेड को ऑक्यूपाई नहीं करते, तो एरन गोलम स्पॉन होना बंद हो जाता है। तो इसीलिए आप लोगों को ध्यान में रखिए, बेड को रिस्पॉन पॉइंट सेट नहीं करना है आप लोगों का। तो यहाँ पर मेरा माउस डबल क्लिक एक ही साथ कर दे रहा है, इसीलिए रिस्पॉन पॉइंट सेट हो जा रहा है बार बार इसमें। तो यहाँ पर एक रो में 7 आ जाना चाहिए, तो दूसरे रो में भी 7 आना है। तो दो बेड्स, 3 एंड 4 और सभी ले लेते हैं क्या यार, 5 और 6। शायद मैंने एक रो कम लगा दिया है, तो उसको मैं ये बेड को पूरा भरने के बाद उसमें लगा देता हूँ। ये 3 है, 4 एंड 5 एंड 6। तो यहाँ पे 6 नहीं आना है, 7 7 बेड्स आना है एक ही रो में। तो इसीलिए मैं एक रो गलती से छोड़ दिया था, तो उसको एक रो को लगा देता हूँ मैं नीचे चल गया। उस रो को लगा के मैं बेड्स को कंप्लीट कर देता हूँ। ओके गाइस, बेड्स का काम तो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोगों को नीचे चल के सो जाना है रात को। तो चलो हम लोग जाके सो जाते हैं। फिलहाल इसको तोड़ देना है यहाँ पे मुझे, तो इसको मैं बाद में आके तोड़ दूँ या अभी तोड़ दूँ। टॉर्चेस भी नहीं है मेरे पास, ठीक है इसको तोड़ के हम लोग चलते हैं बाहर। तो इसको तोड़ देता हूँ फिलहाल। ओके गाइस, यहाँ पे मैंने इसको भी तोड़ दिया है। तो अब यहाँ पे हम लोगों को अनलिमिटेड वाटर सोर्स बनाना है, तो यहाँ पे ब्लॉक्स लगा देता हूँ मैं। तो इस ब्लॉक से लगा के हम लोग अनलिमिटेड वाटर सोर्स बना लेते हैं। तो मेरे पास एक ब्लॉक कम पड़ गया है, तो इसको तोड़ते हैं। तो इसको तोड़ के हम लोग ले चल के यहाँ पे अनलिमिटेड वाटर सोर्स को बना लेते हैं। तो एक पानी यहाँ पे डाला और एक बाल्टी लेके हम इस तरफ डाल दिया। तो ये हो चुका है अनलिमिटेड वाटर सोर्स। तो अब हमें इसमें से वाटर ले लेना है, तो इसको यहाँ पर डाल लेना है और दूसरा बाल्टी लेना है और यहाँ पर डाल लेना है, और यहाँ पे एक और बाल्टी, दो बाल्टी को ले लेते हैं फिर से। अरे यार माउस डबल क्लिक हो रहा है बार बार। तो इसमें यहाँ पे भी पानी डाल दे, अरे यार गलती से, यहाँ नहीं वहाँ डालना है। तो इसको ले लिया यार, यहाँ पे डाल लिया। तो दूसरा बाल्टी ले चल के हम लोग यहाँ पे डाल लेते हैं। तो ये हो चुका है हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट। तो ये पानी हम लोगों को यहाँ तक आ रहा है ना, सर्किल बन रहा है इसका। तो अब हम लोगों को यहाँ पे भी पानी डाल लेना है, तो इसको पूरा यहाँ पे भर देना है। तो चलो इसको पूरा मैं भर के आप लोगों से मिलता हूँ। तो ओके गाइस, पानी का काम भी कंप्लीट हो चुका है, एंड यहाँ से मैं अनलिमिटेड वाटर सोर्स को भी निकाल दिया है। तो अब हम लोगों को चलना है बाहर। तो बाहर चल के हम लोगों को
विलेजर्स को लेके आने की तैयारी करना है हम लोगों का। अब तो यहाँ पे साइन बोर्ड्स मैंने लाया है ना, तो इस साइन बोर्ड्स को लगा लेता हूँ मैं। अरे यार इसको नहीं, खाना खा लेते हैं फिलहाल। खाना खा लेके हम लोग यहाँ पे साइन बोर्ड्स को लगा लेते हैं। तो मेरा साइन बोर्ड्स, ये रहा मेरे साइन बोर्ड्स, तो इसको मैं लगा लेता हूँ यहाँ पे एंड यहाँ पे। और अरे यार इसको नहीं, इसको नहीं, गलती लग गया ऐसे, इसे तोड़ दो फिलहाल। एक से तोड़ना है ना, इसको तोड़ दिया। एंड अब हमें साइन बोर्ड्स यहाँ पे लगाना है, यहाँ से इसके ऊपर। आप चाहे तो कुछ भी लिख सकते हैं, मैं नहीं चाहता कि इसको लिखूँ। तो उसको तोड़ के मैं फिर से एक लगा दिया यहाँ पे। तो ये हो चुका है कंप्लीट। तो यहाँ पे हम लोगों को लावा डाल देना है ताकि हमारे ऊपर लावा आए ना, एंड ये लावा नीचे तक नहीं आएगा साइन बोर्ड्स रहने की वजह से। तो लावा 3 हाइट का आयरन कॉलम होता है ना, इसलिए लावा में डूबता रहेगा, तो वो लावा में जल के मर जाएगा और आयरन इंगेट्स ड्रॉप कर देगा यहाँ पे नीचे, हॉपर से हम लोगों को चेस्ट में आ जाएगा। तो ये हो चुका है काम हमारा कंप्लीट। अब तो अब हम लोगों को करना है विलेजर्स को लाने की काम, तो वो है काफ़ी मुश्किल का काम। तो यहाँ पे स्टेयर्स ले रहा हूँ मैं इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये जो चेस्ट है ना, इसमें लगाने के लिए, क्यों ताकि ये खुले, ब्लॉक्स लगाने से खुलता नहीं ना, इसलिए ये स्टेयर्स लगाने से खुलेगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पे स्टेयर्स को बना लाया हूँ। तो यहाँ पे एक लगाना है। अरे यार ये क्या माउस है यार, बार बार दो दो लग जा रहे, दो दो लग जा रहे, मेरे इन्वेंट्री में आया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी लगा देना है और इसके नीचे हम लोगों को लगा देना है स्टेयर्स उल्टा करके। तो स्टेयर्स को हम लोग यहाँ पे लगा दिया ऐसा, तो अब हमारा चेस्ट खुल जाएगा। इसमें सामान बेकार का पड़ा है, ठीक है, वो कोई बात नहीं। तो अब हम लोग को चल के विलेजर्स को लेके आने की तैयारी कर लेते हैं। तो चलो विलेजर्स को लेके आते हैं चल के। गाइस गाइस गाइस, आप विलेजर्स को तो लेके आ जाएंगे, लेकिन आप विलेजर्स को लाके जॉब क्या देंगे? आप बिना जॉब के तो आयरन ग्रम चुम पर स्पॉन नहीं होगा। तो मैं ढूंढ रहा हूँ फ्लिंट एंड स्टील को, यार 7 और 18 फ्लिंट एंड स्टील ही बचे थे। मुझे चाहिए 21 फ्लैचिंग टेबल्स। तो 21 के लिए मुझे चाहिए था है 42 फ्लिंट, तो मुझे चाहिए काफ़ी ज़्यादा है। 18 ही बचे मेरे पास यार, तो मुझे थोड़ा फ्लिंट को जमा करना है एंड फ्लैचिंग टेबल को बनाना है। अरे यार काफ़ी ज़्यादा ही काम है यार। हाँ चलो कर लेते काम को शुरू। तो ओके गाइस, 21 फ्लेचिंग टेबल्स बन के तैयार हो चुके हैं एंड हमारे पास थोड़ा बहुत ग्लास रखा था मैंने यहाँ पे पकाने के लिए, तो ये भी बन के तैयार हो गए हैं। तो ये मैं विलेजर्स को रखने के लिए ग्लास को बनाया था, यूज़ करने वाला विलेजर्स को रखने के लिए से। तो चल के विलेजर्स को अब लेके आने का है, तैयारी है। तो मैं उसको रेल कार्ड्स की मदद से लेके आने वाला हूँ लोग। ये यार परेशान करते ही रहता है, इसके रिटर्न संडे ये ज़ॉम्बी आ रहा है, देखो चल मर साले। तो ये हो चुका है कत्ता मामा। अब ये स्पाइडर भी बचा है यहाँ पे, इसको भी मार लेता है। चल 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 चल, हाँ चलो अब विलेजर्स को लेके आते चल के। तो ओके गाइस, फाइनली 2 विलेजर्स को मैंने यहाँ पे लेके आया है ब्रीडिंग कराने के लिए। दोनों को, इन दोनों को ब्रीड करा के मैं यहाँ पे विलेजर्स को लेके आने वाला हूँ। तो चलो इन दोनों को ब्रीड करा लेते हैं। तो इन लोगों को ब्रीड करा के 21 विलेजर्स को लेके मैं आप लोगों को मिलता हूँ 21 विलेजर्स बनाने के बाद। चलो तो ओके गाइस, फाइनली यहाँ पे 21 विलेजर्स हो चुके हैं एंड अब हम लोगों को करना कुछ भी नहीं है यहाँ पे, बस AFK होना है एंड आयरन कॉलम स्पॉन होते रहते हैं, मरते हैं और आयरन गेट्स ड्रॉप करके चले जाते हैं। तो ये हो चुका है 21 विलेजर्स का काम तमाम एंड इसको भी हम लोगों को तोड़ लेते हैं। तो तोड़ के हम लोग थोड़ा बहुत AFK हो जाते हैं। 1 घंटे तक मैं AFK होने वाला हूँ, हम देखते हैं 1 घंटे AFK होने से हम लोगों के कितना आयरन मिलता है। चलो इन सबको तोड़ के 1 घंटा AFK हो लेता है। ओके गाइस, मैंने पूरा 1 घंटा AFK हो गया है, लेकिन मुझे आप लोगों से एक दुख की बात शेयर करना है यार। पहले ये देख लो यार, ये देखो मेरा आर्मर गया, टूल्स गए, सब कुछ गया। क्यों?
क्योंकि मैं यहाँ पे 1 घंटा एफ के रहा था ना, तब ज़ॉम्बीज़ ने आके मुझे मार दिया यार। मेरे सारे टूल्स एंड आर्मर्स जो मैंने एन्चेंट किया था ना, सिल्क टच, फॉर्चून 3, सारे कुछ भी गए भाई। लेकिन मैंने एफ के रहा हूँ 1 घंटा। ठीक है यार, 1 घंटा एफ के होने से हम लोगों को कितना आयरन मिलता, लेकिन मुझे पता नहीं है। देखता हूँ मैं जाके, अब जाके देख लेते हैं हम लोग। चलो आयरन कितना मिला कह के जाके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप ही भी आयरन गोलम स्पॉन हो रहे हैं भाई, काफ़ी ज़्यादा ही आयरन गोलम स्पॉन हुए हैं। तो चलो इसको खोल लेते हैं भाई। एक और आ गया, एक मरा, एक और आ जाता है भाई। ये काफ़ी ज़्यादा एपिक फार्म है और वो काफ़ी सिंपल है, काफ़ी ईजी भी है। तो चलो इसको मारने के बाद हम लोग देख लेते हैं। तो चलो 3 2 1। तो ओ माय गॉड यार, कितना सारा आयरन है भाई साहब, इतना सारा आयरन। 1 घंटा ये फिर रहा था भाई, मैं इतना सारा आयरन मिल गया मुझे भाई। यार काफ़ी अच्छा फॉर्म है यार, काफ़ी इजी है, काफ़ी आसान से है, और इतना ज़्यादा आयरन दे रहा है भाई। खुशी खुशी है भाई, इतनी सारा खुशी भाई, इसको मार रहा है खुशी में। क्यों क्यों मारा है इसको भी मैंने पता नहीं यार, मार दिया इसको भाई। इतना ज़्यादा आसान है भाई ये फार्म, और इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर रहा है ना भाई। यार देख के खुशी आ चुकी है यार, और मैं यहाँ पे बोल ही रहा हूँ, और एक आयरन गोलम वहाँ पे मर रहा है। देखो यार, एक के बाद एक आयरन गोलम स्पॉन हो ही रहे भाई। बस यार इतना मेहनत किया था, मुझे अच्छा लग रहा है अब। तो बस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में भाई। दिखा ही रहा हूँ, एक और 2 आयरन गोलम स्पॉन हो गए भाई एकदम। भाई बोल ही रहा हूँ ना यार, ये फार्म उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर रहा है, और काफ़ी ज़्यादा ईजी वे बनाने में, आप लोग वीडियो में देख ही होंगे। हाँ, रिसोर्सेस कलेक्ट करना है आप लोगों को, बस इतना है, बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान है भाई। जिसको भी ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल बनाए तो सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रख देना। और हाँ, इस वाली वीडियो पे मैं 10 लाइक्स का एम कर रहा हूँ, आप 10 लाइक्स कंप्लीट कर देना, 10 नहीं 20 लाइक्स का एम कर रहा हूँ मैं, 20 लाइक्स आप लोग कंप्लीट कर देना। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।